Söğüt'ün altını tünellerle oydun. Bu tünellerden geçerek Osman'ın belini kemiğini kırmak için Söğüt'ü alacağız. Söğüt için son büyük savaş vakti gelmiştir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान खान। दोस्तों, कुरलोश उस्मान की किस 51 का ट्रेलर 2 आ चुका है, जो कि बहुत ही दिलचस्प और इंतहाई सनसनी खेज दिखाया गया है, जो एक हमें नए मोड़ की जानिब कर रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी जंग दिखाई जाने वाली है। लिहाजा आज के हमारे मौजूद ये होंगे, क्या उस्मान गाजी मालन खातून को छुड़ा चुके हैं, और क्या निकोला ने ये जो सिपाही पकड़े हुए हैं ये कौन है, और उस्मान गाजी इनको कैसे छुड़ाएंगे, क्या आरएस को ले जाते हुए उस्मान गाजी पर हमला करके तुगाई ने उसे ले लिया है, क्या अब आगे क्या होने वाला है। इस तमाम अकसात पर हम आपको तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये निकोला ने जो शख्स पकड़े हुए हैं ये कौन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेलर 1 में उस्मान गाजी ने कहा था कि तमाम कबीलों के सिपाही मुतहद करके हमारे साथ जंग के लिए आगाज़ करें, लिहाजा हो सकता है ये कोई सिपाही या कोई सरदार उस्मान गाजी के यहाँ आ रहे होंगे, जिनको निकोला ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप देख सकते हैं कि उस्मान गाजी गार से होते हुए किले की तरफ जा रहे हैं, और यकीनन सेम उसी तरह आगे रास्ता मालन खातून के पास जाता होगा, जहां से मालन खातून को वो छुड़ा कर ले आएंगे। और ऊपर बलगई और उसका साथी निकोला यही मशवरा एक दूसरे के साथ कर रहे होंगे कि हम मालन खातून के ज़रिए सुगोद बाज़ार हासिल कर सकते हैं, और दूसरी जानब उस्मान गाजी मालहन खातून को छुड़ाने में बआसानी कामयाब हो जाएंगे। और निकोला जवाबी कार्रवाई करते हुए उस्मान गाजी के सरदार या उनके जो कबीले की तरफ सिपाही आ रहे होंगे उनको कैद कर लेंगे, लिहाजा उस्मान गाजी आरएस को अभी तुगई खान के हवाले नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुगई खान हमारे ऊपर कोई घात लगा कर हमला करने की प्लानिंग में है, लिहाजा हम इसे एक अलग राह दिखाएंगे और निकोला को अलग, क्योंकि पूरे ट्रेलर में तुगई खान हमें दिखाई नहीं दिया, लिहाजा उसे एक साइड पर ही कर दिया गया है उस्मान गाजी की जानिब से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि एक जरगा मुनक़द किया गया है, लिहाजा इस जरगे में यही फैसला लिया होगा कि हम मालन खातून को इनके बाजंतिनियों के हवाले नहीं छोड़ सकते, जिसके हवाले से उस्मान गाजी गुंदोज भाई गोक्तू और इन दूसरे सिपाहियों को टास्क देंगे, जिसमें वो कहेंगे कि आप दूसरी जानिब से जाते हुए सलीबियों यानी कि उन पर हमला कर दिया जाए और उनसे अपने मजीद सिपाही छुड़ा लिए जाएँ। जो कि आप देख सकते थे कि एक नया दस्ता आने वाला था, जिसके उस निकोला की और ताकत में इजाफा हो जाना था, लिहाजा ये वही दस्ता है जिस पर गुंदोज भाई और गोक्तू भाई हमला करके उनके उन सिपाहियों से जो हथियार होंगे वो उनसे छीन लेंगे और अपने पास कई कबीले में ले आएंगे, जिसके हवाले से उस्मान गाजी यही सूरत उसके साथ निकोला से खेलेंगे ताकि निकोला को फंसाया जा सके। तो दोस्तों, आपके जहन में कोई राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।